सिंसियर रहें, डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते। बहुत सारे रिसोर्सेज को नहीं रेफर करना, बेसिक रिसोर्सेज को पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें, डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। आई थिंक इनफाइनाइट सपोर्ट था, दे वर जस्ट गिविंग एंड इवन दो आई डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स ट्वाइस, द काइंड ऑफ बिलीफ दे हैड इन मी एंड द वे दे पुश्ड मी एंड द वे दे मेड एवरीथिंग ईजी फॉर मी, आई विल बी ओब्लाइज टू देम। बहुत सारे रिसोर्सेज को नहीं रेफर करना, बेसिक रिसोर्सेज को पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है और टेस्ट देते रहना है और कभी भी निराश होने पर रो लेना चाहिए 2 घंटा 3 घंटा, पर वापस बैठकर ज़रूर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस एग्ज़ाम में बहुत हार्डवर्क चाहिए होता है, लेकिन हर इंसान के पास इसको क्रैक करने का कैलिबर भी होता है और एबिलिटी भी होती है। पेशेंस और हार्डवर्क के साथ कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि वी आर ऑल्सो नॉर्मल पीपल फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड, तो मैं तो यही कहूँगी। सेल्फ स्टडी के लिए क्या करना चाहिए? एनसीईआरटीज बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं जो कि सभी पढ़ते हैं, और इसके साथ करंट अफेयर्स के साथ कॉन्टैक्ट रखना चाहिए।